असम में भारी बारिश के चलते हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है, जिसके चलते लाखों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई दिनों से हो रही बारिश के चलते स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। राज्य के अलग अलग हिस्से में करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। इसके अलावा आफत बनकर आई बारिश के चलते 2 लोगों की मौत भी हो गई है। कैसे माने आदमी लोग उधर रह रहा है, बारिश भी गिर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऊपर का त्रिपाल भी नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ हो गया सभी लोगों का। बहुत सारा तकलीफ, खाना पीना का तकलीफ, कोई भी सामान यहाँ का जाने का कोई भी रास्ता नहीं, बाजार जाने का। कल से तो कुछ लोग भूखा ही रह गया, ऐसा हुआ। वही IMD ने असम के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम के बारपेटा, सोनितपुर, दरांग, नलबाड़ी, बक्सा, चिरांग, धुबरी, कोकराझार, लखीमपुर, उदलगुरी, बोंगाई गांव, धेमाजी और डिब्रूगढ़ में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से जूझ रहे असम में सेना, अर्धसैनिक बल समेत कई टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन जिस तरह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है, उससे राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं है। यहाँ के लोगों को कुछ दिन और भारी बारिश का प्रकोप झेलना पड़ सकता है।